घर के अंदर आई है मीडिया और मीडिया सभी से कई तीखे सवाल पूछ रही है, कई ऐसे सवाल पूछ रही है जिनके सवालों का जवाब ऑडियंस जानना चाहती है, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऑडियंस किस सवाल का जवाब जानना चाहती है, ऑडियंस किस बात को जानना चाहती है, ये वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं रहे, वो इस बात को बिल्कुल भी उठा नहीं रहे। बस उन्होंने जो जो बड़े बड़े मुद्दे देखे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, उन्हीं को लेकर बार बार सभी से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि घर के अंदर ऐसा ही एक सवाल दिव्या अग्रवाल से भी पूछा गया, जो काफ़ी ज़्यादा इतना बड़ा इश्यू बन गया कि दिव्या अग्रवाल से मीडिया वाले और शमिता और नेहा सब भिड़ गए। दरअसल अगर आपको याद हो कि जिस दिन कनेक्शन टूटा था, उस दिन दिव्या ने नेहा की अंडरवियर को लेकर ये कहा था कि बातों में वो पैंटी पड़े हुए, कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है अंडरवियर, इसको लेकर बात कही थी। बस ज़्यादा बात नहीं की, छोटी मोटी बात की थी, हमने आपको बताया भी था, और इस बात का मुद्दा उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया था। लेकिन इसका मुद्दा दिव्या अग्रवाल के बात ना करने के बावजूद जो बनाया था वो नेहा भसीन ने बनाया था। नेहा भसीन बार बार दिव्या को पोक कर रही थी, बार बार उन्हें ये कर रही थी कि किसी तरीके से नेहा भसीन कुछ ऐसा करे कि दिव्या के साथ उनकी लड़ाई हो, उनकी लड़ाई दिव्या के साथ बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हो, दिव्या ने उस बात को आसानी से हल्के से साइड करते उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया। तो इस बात को लेकर मीडिया पूछते कि आखिर आपने इस बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, आपको जब ये कोई बात इतनी बड़ी थी नहीं तो आपने इसका मुद्दा क्यों बनाया, आप इस बात का जवाब दें। तो इस बात को लेकर दिव्या बोलती हैं, जैसे थोड़ी सी बोलती हैं तो उसमें ही ना शमिता और नेहा दिव्या के साथ लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, बोलते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया पर्सन, जिस मीडिया पर्सन ने दिव्या से सवाल पूछा था, वो भी शमिता और नेहा की साइड लेने लगी थी, लेने लगा है। तो इस वजह से दिव्या का पारा और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो मीडिया वालों से भी भिड़ गई। और एक्चुअल में देखा जाए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने रिव्यू में भी बताया था कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में नेहा ने ही सब कुछ किया था। नेहा ही बार बार इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, दिव्या को पोक कर रही थी, लेकिन दिव्या ने इस बात को बहुत ही आसानी से इग्नोर करके बात को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया ने दिव्या अग्रवाल को टारगेट करके शमिता और नेहा का साथ दिया, उसे बस साफ साफ समझ में आ रही, साफ साफ दिख रही है किस तरीके से मीडिया वाले भी जो ऐसा आ रही हैं, ऐसा फ्री विल बना के आ रहे हैं कि भाई वो जनता के सवाल पूछ रही, वो भी मेकर्स की साइड से ही, मेकर्स के ही सवाल पूछ रही है और बार बार दिव्या अग्रवाल को टारगेट कर रही है। भाई मीडिया के इस सवाल पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या सच में नेहा और दिव्या के बीच में जो भी हुआ था उसको सिर्फ दिव्या अग्रवाल ने बढ़ाया था, या फिर नेहा भसीन ने उस बात को बढ़ाया था और दिव्या ने उस बात को बिल्कुल आसानी से बिना कुछ कहे रफा दफा कर दिया था? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की बिग बॉस OTT की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।